My dearest children, good evening. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, I welcome you all to another super amazing session, the Question Bank series on the Animal Kingdom, episode number 2. Why is the Question Bank series so important? It is important because hum aapko pure chapter ka ek synopsis denge. Yes, जिसकी वजह से आप पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो. हम आपको फ्लो चार्ट्स देंगे, यस और नो, जिसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. आई विल गिव यू एमसीक्यूज ऑफ द टॉपिक, वो तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे और पीडीएफ शेयर करेंगे. एंड ईच एमसीक्यू इन द पीडीएफ विल बी एनालाइज्ड. यू विल बी एबल टू डिसाइड कि क्या क्वेश्चन है, भले ही वो कंसेप्चुअल है, भले ही वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला है, मेमोरी बेस्ड है, कहां पर जाकर आप अटक रहे हो. यस गाइस, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑन द एनिमल किंगडम. डन एवरीबॉडी? चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ हार्ट एंड लाइक ऑन माय स्क्रीन. आई वांट टू स्टार्ट द क्वेश्चन बैंक सीरीज. ये वीकली एट क्लास फॉर क्लास 11th एंड वन फॉर क्लास 12th होती है. 9 PM I will be doing the question bank on the human reproduction, जो भी part 2 है. And कल सुबह, tomorrow Friday, right? कल सुबह तो हमारी regular classes हैं 8 AM and 10 AM. आपको पता है full syllabus का, जो मैं 50 most expected questions, full syllabus of class 12th का test लेने वाली हूँ, that is coming on Saturday. So guys, बहुत amazing चीजें आप लोगों के लिए आ रही हैं. Right? Tomorrow also, Saturday, that means, not tomorrow, tomorrow is a Friday. I'm going to be doing some mental health tips. Look at this, this itself is such a happy poster. So I'm going to be talking about things like IQ, SQ, AQ, EQ. आपने सुना कुछ AQ होता है? There is something which is very important for your development, which is called as AQ. आपको पता है कुछ SQ होता है? IQ, EQ तो हमें पता है. So it's going to be like a really, really awesome lecture. Right, everybody? Imagine there is something which is called as AQ, adversity quotient. So I'm going to be talking about these amazing things. And Saturday, it's such a bumper weekend. Saturday we will meet at 5 PM for a neat live talk. One person is going to tune in from Bangalore, one person is going to tune in from North, one person will tune in from Bombay, and we are going to meet live. Can you imagine? Excited? Yes, live need talk, first time ever on Be Biotonic, first time ever on Vedantu, live talk. Exam postpone hoga, kaise padhe, kya kare, kab postpone hoga, kyun postpone ho raha hai, kya ho raha hai. I know you're worried, so talking about it makes a lot of sense. Right, everybody, amazing. Guys, I don't know, you don't want to miss any of these notifications, so please make sure that aap hamare Vedantu Biotonic Telegram group se jud jayein. राइट, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आप कोई भी चीज इनमें से मिस नहीं करना चाहते. वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एंड टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करके आपको सिर्फ ये नाम डालना है. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अभी कर दो बच्चों, ये आपका चैनल है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा, आप ही लोग तो करोगे, बिकॉज वी प्रॉमिस टू टेक यू राइट हियर. That's our promise. We want to take you right here, where make you wear the stethoscope and the scrubs, but उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज का पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है. पीडीएफ में ही वो माइंड मैप्स हैं, वो फ्लो चार्ट्स हैं, वो साइनॉप्सिस है, और हर एक क्वेश्चन की ग्रेडिंग है. तो प्लीज पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद, चैप्टर का जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा. 24 आवर्स दीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. बच्चों, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्टडी विद अस, राइट एवरीबडी, एंड यू वॉन्ट टू स्टडी विद अस फॉर लॉन्ग टर्म, एक साल के लिए, 11th में, आप 12th में, मान लीजिए आप 11th में, तो आपने vdnt.in/ytpro पे गए और अपना 11th ग्रेड चूज किया. हो सकता है आप सीबीएसई की तैयारी करना चाहते हो, बट इमेजिन आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, ये देखिए, तो आपको ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा. देन यू हैव टू से गेट मी अ सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मान लीजिए वेरी वेरी इकोनॉमिकल इज 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, पूरे ईयर का, बिकॉज इट्स माय टीम व्हिच विल मेक श्योर दैट आप पढ़े. तो सब्सक्रिप्शन आपने नीट 12 मंथ्स का कर दिया, राइट एवरीबॉडी, और कर दीजिए प्रोसीड टू पे. अपना यहां पे क्रिएट कर लीजिएगा ईमेल आईडी, कंटिन्यू विद गूगल. अगर आपने कोई भी अपना, यू नो, यू मेड अ कंप्लीट
यूजर नेम पासवर्ड, तो आपने 2 ईयर का नीट प्रो के लिए आपने येस कर दिया. आई एम शोइंग यू हाउ यू हैव टू डू इट एंड ट्रस्ट मी, वी अंडर द गाइडेंस ऑफ आनंद सर आई हैव मेड द एंटायर मॉड्यूल, ऑल द स्लाइड्स, ऑल द क्वेश्चंस. I have been responsible for all the teacher recruitment. So trust me when I'm saying it, it is the best pro course jo aap kabhi kar sakte hain. And my batch is doing fabulous, bahut acha kar rahe hain hum log. To aapne kya ki 31799 ka hai, but you say ki Vani ma'am ne mujhe code diya hai to main wo code laga lu. VD NEET mera code hai, VD NEET pro, right? To now aap keh dijiye apply. Immediately आपके 4769 माइनस हो गए एंड द प्राइस इज ओनली 27029. इट इज दैट इजी. दिस इज वॉट यू हैव टू डू एंड ट्रस्ट मी, शो दिस टू योर पेरेंट्स. यू नो यू कैन टेक अ डेमो सेशन विद अस. आप 1 महीने का सिर्फ लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू विल फॉल इन लव विद द काइंड ऑफ टीचिंग दैट वी डू. चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइज, बिकॉज मैंने आपको ये सारा शो कर दिया है कि कैसे होता है. मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि 40,000 hours है, 20+ टीचर्स इंग्लिश हिंदी बैच सेपरेट. ज्वाइन कीजिए और आ जाइए एंड इट इज द बेस्ट. सिर्फ ये लिंक है और ये कोड है vdnt.in/ytpro एंड vdneet. वानी मैम का कोड है vdneetpro. चलो रेडी स्टेडी शुड वी मूव अहेड. और ये अच्छा ये तो देख लो पहले, ऐसे मैंने आपको पूरा साइनॉप्सिस बना के दिया है. दिखाई दे रहा है? ट्रस्ट मी इट इज द बेस्ट. कोर डेटा के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं मिलेंगे इतने अच्छे नोट्स. ढूंढ फिर के वापस आ जाइएगा. एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एमसीक्यू आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामरिज्म, ट्रू सीलोम, यस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट ऑन द वेंट्रल साइड, ये सारे एमसीक्यू हैं लाइन से. एनीवेयर एल्स आप बताओ कोई यूट्यूब चैनल है जो आपको इतना डिटेल्ड में मटेरियल बना के देता है? नंद किशोर देखो तो सही. क्लोज टाइप आरबीसी, रेस्पिरेटरी पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन, एंडोस्केलेटन, एवरी लाइन इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन. आपको मेहनत करनी नहीं है बिकॉज वी बायोट्रॉनिक इज वर्किंग हार्ड फॉर यू, बिकॉज वेदांत इज वर्किंग हार्ड फॉर यू. ऐसे आई हैव मेड नोट्स, इनका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर एवरी सिंगल थिंग. और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा अभी के अभी. ऑन माई स्क्रीन प्लीज, 1 like 1 share 1 subscribe. शक्ति स्वरूपा नथिंग इज ऑफिशियल माई डियर चाइल्ड, नथिंग इज ऑफिशियल, राइट? तो ऐसे मैंने आपको पूरा साइनॉप्सिस दिया है, करेक्ट? ठीक है चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. ये देखिए मैंने ऐसे पूरे के पूरे आपको फ्लो चार्ट्स बना के दिए. एक नाथा, ग्नाथोस्टोमाटा, पाइसिस, पूरा प्लैकोडर्म, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्ट्रिक्थीस, सब कुछ. और यहां पे आपका नॉलेज काम आएगा. ये मैं अभी लीक नहीं कर रही हूं आंसर. यहां पे आपका मीडियम लेवल नॉलेज, मीडियम कोई ट्रिकी क्वेश्चन है क्या है, एवरीथिंग हैज बीन डन. दिस इज द बेस्ट एवर सीरीज. आई एम नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन बैंक ऑन द मेंटी, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डूइंग फुल स्क्रीन. चलिए 247458. बेटा मैं आपके सामने लव सर को और सूर्य सर को लेकर आ रही हूं सैटरडे को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. आपके मन में जो सवाल हो हम अटैक कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर्स पे. डन? अच्छा 3D लेक्चर, टॉप सीक्रेट, वेदांतु सीक्रेट, 3D लेक्चर इज कमिंग ऑन फ्राइडे. डोंट टेल इट टू एनीबॉडी, हार्ट बना दो. 3D lecture is coming. No. Sunday 8 p.m. Sorry. Sunday 8 p.m. Done? तो आ जाइए इधर. menti.com पे चले जाइए, hearts बना दीजिए guys. और यहां पर जाकर 247458. कम ऑन, आई वॉन्ट 1 like 1 share 1 subscribe. आई नो अलका इट्स रेनिंग वेरी हेविली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गाइस, टेक केयर. चलिए स्टार्टिंग इन 5, स्टार्टिंग इन 4, स्टार्टिंग इन 3, स्टार्टिंग इन 2 and 1 start.
Lovely. Let's rock this. Is it anyone? Take care. Oh, it's really bad. Arham. Age of fishes. Thoda bahut evolution se related hai. Thoda bahut caudata se related hai. Which is the word for fishes? Ordovician, Devonian, Silurian, Permian. When did the fishes really do a lot of evolution? Bataiye please. इलेवेंथ वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. एज ऑफ फिशेस. कम ऑन गाइस. वेरी वेल आंसर्ड माय क्लास इलेवेंथ. आई एम प्राउड ऑफ यू. प्राउड. आज तो दिल जीत लिया. इतनी खुश तो मैं हेयर कट करवा कर नहीं हुई थी. ऑसम. एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज अ डिवोनियन पीरियड. वेरी गुड. रिमेंबर दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिवोनियन पीरियड. यस. Excellent. कहां गया हमारा रिमोट? ये रहा. चलिए अगले सवाल पे. 25 questions है. Let's rock it. अगला सवाल है ना. Which one of the following is an exotic carp species? Exotic carp species. बाहर की fish है. Exotic. Barbus, Cyprinus, Labio, Cyrinus. Remember, मैंने आपको सब कुछ करवाया हुआ है. I have done these examples in the form of a mnemonic in the class. I have done them as an example in the class. Very good. Cyprinus carpio is known as the koi fish. अगर आपने मेरा एक कोई motivation का lecture देखा होगा तो मेरे घर में एक painting है जिसमें मैंने koi fish की painting बनाकर लगाई हुई है. I will put it on the community page for you to see. This, my dear kids, is a Japanese fish. It's a Japanese fish. It's exotic. It belongs to Japan. Right, it's supposed to be very lucky. The koi carp, it's called. Orange color ki hoti hai. Koi carp, it's a Japanese fish. Well done. Maine iska aapko complete karwaya tha. Complete mnemonic karwaya tha. Very good. Chaliye. Good Bhumika. Beta, leaderboard end mein aa jayega. Chondrichthyology. Claspers. Very good question. Around jaws. देखिए इसका level अच्छा रहेगा. This is a high level paper. Is it around jaws, operculum, pelvic fins of male or female? Claspers. Claspers. Very good question. Very good question. And I want everybody to make sure that you like, you share, and you subscribe to our channel, guys. Right? Posterior male. Male mein posterior fins are the pelvic fins. Wahan pe hote hai, they perform the function of sperm transfer during copulation. So the sperm needs to be transferred from the male into the female. That is why they are present on the posterior end. Give me a high five. Well done. Well done, Biotonians. You guys are rocking it. Absolutely brilliantly answered. Brilliant. Brilliant, Biotonians. Chali agla sawal. Spies har jagah hai. Question bank series naam bhi chori ho chuka hai. Four chambered heart is characteristic of this poikilotherm. Crocodilus, Pteropus, Hemidactylus, Pistel, Parrots, Pisticula. But they're asking poikilotherm. Question bank series naam bhi chori ho chuka hai, I think. ऐसे बड़ा इजी है, पता है? इंस्पिरेशन लेना बड़ा आसान है. इधर से मिक्स किया, मैच किया, लीजिए, नया करके दे दिया. Poikilotherm, homeotherm का नहीं कुछ. I know there can be a hung parliament. It's a poikilotherm. It's a reptile. This has four chambered heart, but it is a homeotherm. It's a bird. Right, this is a poikilotherm. Very, very well answered. Very well answered. Yes, crocodile is reptilia. Yes, everybody, excellent. Guys, can I get a like? Can I get one like on the home screen, please? How will the teacher know ki lecture appreciate ho raha hai? How will the teacher know that the students are understanding? Yes.
ठीक है चले। तो गाइस फोर चेम्बर्ड हार्ट सिर्फ क्रोकोडाइल्स में होता है, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल व्हिच हैज अ फोर चेम्बर्ड हार्ट। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट। एक्सलेंट, चलिए अगले सवाल पे। अक्षया इज बैक। नो, अ मरीन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मरीन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट बता दो आंसर। स्कॉलिडॉन, क्रिस्टिस, टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, इलेक्ट्रिक करेंट्स। कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, नेविगेशन के लिए नंब फिश एंड टॉर्पीडो, इन दोनों फिशेस का नाम याद रखिएगा। लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नंब फिश, गाइस दिस इज नॉट लाइक योर नॉर्मल लेक्चर, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल बच्चे तो आंसर भी नहीं कर पाएंगे, बट बायोटोनियंस आर डूइंग। मैम ने बोला पर मैम ने बोला। Yes, everybody, for communication, for defense, for navigation, numbfish and torpedo. Torpedo is like an underwater missile, right? Lovely, lovely. Normal bachche the questions answer bhi nahi kar payenge jo Biotonians ma'am ne bola par ma'am ne bola kar rahe. Awesome, chaliye agle sawal pe. So what does the next question say? A jawless fish which lays eggs in fresh water. And whose larva, that word is very important. After metamorphosis, return to the ocean. That larval word. Is it Chiromyzon, Neomyxin, Myxin, Epeterus? Bata dijiye. Kaun banata hai amocete larva? Primitive jawless fish, lamprey, Chiromyzon, yes, ke naam hai. It can be called as lamprey, right? Chiromyzon, adult lampreys spawn in the rivers and die. So an adult Chiromyzon will go to the river, lay down the eggs and die. The young larvae called amocetes spend several years in the liver. Years, they live buried in the fine sediment. Detritus khate rahenge. Then they undergo metamorphosis lasting several months and go back into the sea. So it is the amocete larva. Excellent. Lamprey, Chiromyzon. Excellent. Agla sawal. What a lovely answer in today. Pure ma'am ne bolas, guys. Answer kahan dena hai beta? Menti.com pe jana hai. और menti.com पे जाकर यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, राइट? देखिए कितना ऑसम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मेनी मेनी टाइम्स प्रीवियस योर क्वेश्चन। चलिए देयर हैज टू बी नो एक्सेप्शन। आई वांट अ मैम ने बोला, विल यू बी एबल टू डू दैट फॉर मी? थोड़ा सा हम पार्लियामेंट, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ना आंसर करना इन 30 सेकेंड्स इज डिफिकल्ट, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर, दिस इज द लर्निंग, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट एवरीबडी? मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन द बॉडी, नो पिन्ने, टू पेयर ऑफ लिम्स। क्लास मैमिलिया, नो बेटा, देर आर एक्सेप्शन टू दिस। Quadrichology, body covered with feathers. Characteristics, skin moist and glandular. No moist and glandular. Yes, sucking mouth, jaws absent, integuments without scales. No, paired appendages nahi hote hain. Mouth ventral, gills without operculum. Skin with lacoid scales is chondrichology. Right, everybody? Or guys, what I want you to remember is platypus, no hair, egg-laying mammal. What I want you to remember is, 30 seconds में अगर आदत डालोगे ना लंबे क्वेश्चन करने की तो होगा, अगर आदत ही नहीं डालोगे तो नहीं होगा। So let's try and do it and we will be able to do it. है ना बच्चों? चलिए अगले सवाल पे।
which one of the following characteristics is not shared by birds and mammals? Not shared. There is no sharing. Breathing using lungs, wide variety, warm-blooded nature, ossified, not shared. Very good question. हमने इससे काफी मिलता जुलता question सुबह किया है. Very, very good. Viviparous. Birds lay down eggs. They lay down eggs. Humans lay, right? They lay down eggs. Humans give birth to live young ones. Viviparous is giving birth to live young ones. Class 11, did you understand? When you give birth to live young ones, that's called as viviparous. Birds are not. Birds lay down eggs. Done? Excellent. चलिए अगले सवाल. Choose the correct statement. All mammals are viviparous. What about platypus, echidna? All cyclostomes do not possess jaws and paired fins. All reptiles have three-chambered heart. What about platypus? What about crocodile? All pisces have gills covered by an operculum. Yes, Shikha, you are visible. Lovely. All mammals are viviparous. No, platypus is not. All pisces have gills covered by operculum. No, bony fishes have operculum because it's made up of bone. All reptiles have a three-chambered heart. No, crocodile does not have a three-chambered heart. Crocodile, first question, has a four-chambered heart. Shikha, Sanya, Tabassum, Shaifula, Joker, Majumdar. Done? Very good. और पिछले क्वेश्चन में बर्ड्स के पास ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है बट वो हॉलो होता है. बहुत इजी क्वेश्चन. व्हेन नो रेप्टाइल्स द मैक्सिमम सीनोजोइक मीसोजोइक पेलियोजोइक प्रोटीरोजोइक द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बता दीजिए. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स 252 मिलियन ईयर्स अगो था जब परमियन एंड हो गया. मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि परमियन के बाद वाला कौन सा है. इसको मिडिल लाइफ एरा कहते हैं. जॉइंट रेप्टाइल्स पाए गए थे. मिडिल से याद रखिएगा परमियन के बाद वाला है. फ्रॉम 252 मिलियन ईयर्स टू अराउंड 66 मिलियन ईयर्स. और टेंशन मत लीजिए जब आप बहुत बार पढ़ लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा. फ्रॉम 252 मिलियन ईयर्स टू 66 मिलियन ईयर्स आफ्टर द परमियन टाइम इट्स कॉल्ड द मिडिल. सो इट्स मीसो. Mesozoic. The golden age of reptiles was Mesozoic. It's also known as the age of reptiles. It's also known as the age of dinosaurs. Jurassic. Aage bade? Are you enjoying the lecture? Are you understanding? We are increasing the level. See, agar main question bank ka level bhi normal level rakhungi, there's no point. So, iska level thoda sa upar hona chahiye. Hai na, bachcho? To mujhe ek like ban jaye wahan pe. Mujhe kaise pata chalega that you guys are understanding? मुझे एक हार्ट बन जाएगा वहां पे. कम ऑन गाइस, वन हार्ट ऑन माय स्क्रीन प्लीज. यस, द 3D लेक्चर इज कमिंग बैक ऑन अ संडे. सैटरडे यू हैव अ मेजर मेजर राउंड टेबल विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन वन लेक्चर ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट. एंड आई हैव गॉट अ वेरी नाइस टॉपिक ऑफ EQ, AQ, SQ, AQ, PQ. I don't know what all, but I'm going to be talking about all of these things on Saturday. Yes. So guys, one heart, one like, 818 likes ho gaye. Agle 2 minute mein 1000 likes kar dete hain aur aap agla sawal solve kijiye. Chaliye. Good guys. Birds. Oh, what a beautiful question. Kyunki bahut baar exams mein aaya hua hai. And it's very easy. Larynx. Dhyan se soch samajh ke jawab dijiyega. Syrinx. Trachea. Vocal cords.
they have a beautiful sound box, which is different than the human sound box. It is the syrinx. It is not the larynx. They don't speak like us. They have such beautiful chirping sounds which wake us up in the morning, and it's so nice to hear, right? It's not the larynx. They don't have vocal cords. They don't have a trachea. Trachea is not for sound. Trachea is for conduction of air. Hai na? Trachea toh conduction of air ke liye. Larynx aur trachea hoga toh phir toh human beings ki tarah bolenge. They have a syrinx. They produce beautiful sounds. Right, everybody? Chale. Good questions. Very good questions. You're learning so much. You're learning so much. Chale. The calcium metabolism in birds gets distributed to... gets disturbed. Wow. What a question. Iski wajah se wo ande nahi de paate. Aur kyunki bechare ande nahi de paate. Ando ka jo shell hota na, wo bada achche se develop nahi hota. That is why they're becoming extinct. क्या ह्यूमन बींग्स ने डाल दिया है खेतों में जिसकी वजह से बेचारे बर्ड सफर कर रहे हैं? इज इट लेड, डीडीटी, कैडमियम, मर्क्यूरी? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स बहुत अच्छा सवाल है. व्हाट अ क्वेश्चन गाइस. इट डिस्टर्ब्स. वेरी गुड. डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो एसिटिक एसिड, डीडीटी की वजह से अगर 25 पार्टिकल पर मिलियन से ज्यादा हो जाए, जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टिकल पर, बिकॉज हम इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं. इट विल अंडरगो बायो मैग्निफिकेशन. बेचारे बर्ड्स के पेट में चला जाएगा. दे विल नॉट बी एबल टू ले एग्स. इज इट क्लियर? मर्करी से भी होता है, डीडीटी से भी होता है, बट डीडीटी बहुत ज्यादा, मतलब इट्स इवन मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स. एंड बिकॉज ऑफ विच द शेल्स विल नॉट बी फॉर्म प्रॉपरली एंड दे विल नॉट बी एबल टू ले डाउन द एग्स एंड द बर्ड्स विल अंडरगो एक्सटिंक्शन, थिनिंग ऑफ द एग शेल, राइट? और वो जल्दी टूट जाता है. एग शेल बहुत थिन हो जाता है, जल्दी टूट जाता है. बेचारा अंदर का बर्ड अभी तक मेच्योर भी नहीं हुआ था कि एग शेल टूट जाता है एंड द बर्ड डाइज, राइट? लवली. चलिए अगले सवाल पे. We've nearly reached the halfway mark. Chali bachcho. Come on. I want good Josh in my class, good speed. Which of the following categories of animals is correctly described with no single exception? All mammals are viviparous and have diaphragm. All mammals are giving birth to live young ones. All sponges are marine and have coral cells. What about Desmospongia? All bony fishes have four pairs of gills and an operculum. All reptiles produce scales, have a three-chambered heart and are cold. Think before you ink. Yes, everybody. Answer is all reptiles with scales have a three-chambered heart. What about crocodile? It has a four-chambered heart. All sponges are marine. No. All sponges are not marine. Freshwater sponges are there. Name the freshwater sponge for me, please. Name the freshwater sponge for me. Spongula. What about platypus? All bony fishes have four pairs of gills and an operculum. Is absolutely right. Cartilaginous fishes don't have operculum. Lovely answering. Chaliye agle sawal. Which of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the features stated against them? They are similar. Pteropus, Ornithorhynchus, Viviparus, Garden Lizard, Crocodile, Three-Chambered Heart, Ascaris, Ankylostoma, Metabolic Segmentation, Seahorse and Flying Fish, Cold-Blooded. Come on, I want a good answering there. And I want all of your answering very well done. No, beta, Ornithorhynchus lays. Ornithorhynchus is platypus. Ande deta hai. Egg-laying mammal. It's an exception. Egg-laying mammal. Eggs lay down karta hai. How many times to tell you? Four-chambered heart. No metabolic segmentation. Cold-blooded. Is it clear?
Cold-blooded. Very well done. Chali, come on everybody. Those of you are able to answer well, can I get one like on the screen? हो जाएगा एक लाइक जो अच्छा कर रहे हैं. Come on guys, आज तो 12-1500 लाइक लेकर जाएंगे हम लोग. चलिए मैम, जिनको इजी बोलती है वो मुश्किल होते हैं. मैम आप जिनको इजी बोलते हैं वो मुश्किल होते हैं. इन द फिश कतला कतला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम. इसे क्या कहते हैं यार? इससे इजी क्वेश्चन ना आ नहीं सकता एग्जाम में. इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता. टॉटोनिम, साइनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम. इससे इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही नहीं सकता. बता दीजिए. एक्सलेंट. इट्स कॉल्ड अ टॉटोनिम. जब भी सेम होता है वी कॉल इट अ टॉटोनिम. वेरी गुड गुड गुड. चलिए अगला सवाल. कम ऑन यू गाइस, डू वेल. On my screen, if a water body is contaminated with a toxicant, its biomagnification will be more marked in birds, small fishes, planktons and water. Planktons, water, small fishes, birds. सबसे ज्यादा जैसे हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा ऊपर पे होता है. चलो 11th वाले बच्चों सोचो इसका आंसर. वॉटर में तो सबसे पहले आएगा. वॉटर को कौन ईट करेगा? अभी मैंने आपको डीडीटी के एग्जाम्पल से भी ये करके बताया कि बर्ड के शेल में प्रॉब्लम हो गया. आई एक्सप्लेन इट यू वाया द एग्जाम्पल ऑफ डीडीटी. ओ लवली बर्ड्स. यस, देखो बेटा वॉटर से जाएगा फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट. जैसे जैसे वो नेक्स्ट लेवल पे जाता जा रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. सबसे पहले गया वॉटर. वॉटर से जाएगा प्लांक्टन. प्लैंकटन से जाएगा स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, फाइनली बर्ड्स. पेलिकन जैसे बड़े बर्ड्स खाएंगे राइट्स, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा. चलिए मैच द फॉलोइंग बटरफ्लाइज. ओ लवली क्वेश्चन. क्रो, पैरेट, क्रोकोडाइल. इजी वन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. चलिए बटरफ्लाई, क्रो, पैरेट, क्रोकोडाइल बताइए. पिंटू जी बताइए आंसर. बटरफ्लाई, क्रो, पैरेट. पैरेट का अगर आंसर पता है तो अपने आप आंसर आ जाएगा. आई वॉन्ट मैम ने बोला. लवली. आई वॉन्ट मैम ने बोला. यू गाइस हैव डन वेरी वेल. तो आपका जो है बटरफ्लाई कितना रहती है? 1 to 2 weeks ओनली. पुअर थिंग. क्रो कितना रहता है आपका? 15 इयर्स. पैरेट सबसे ज्यादा रहता है 140 इयर्स. इन क्रोकोडाइल कितना रहता है? 60 इयर्स. लवली गुड. कम ऑन गाइस, अंडरस्टूड? इफ यू अंडरस्टूड हिट द लाइक बटन. इफ यू लाइकिंग व्हाट वी आर डूइंग. कैसे भी मैंने आपको मोटिवेट किया. डिड यू सी द लास्ट लेक्चर? अच्छा कितने बच्चों ने लास्ट लेक्चर भी देखा था बता दो. Did you see how to become successful as a student? Some very nice, sweet things we talked about. Did you see that? Right? Are you going to come at 9 o'clock for the next lecture on molecular basis? Right? So, agar aapko acha lag raha hai, guys, come on, ek like, ek share, and do become a part of our channel. Chalo. Which of the following statements is totally wrong about the occurrence of notochord? Baki dino correct hai. Ek statement totally wrong hai. Wrong. Sara sar galat. It is present throughout life in amphioxus. It is absent throughout life in humans from the beginning. It is replaced by a vertebral column in adult frog. It is present only in the larval tail in ascidians. I think you've all answered well. I think you've all answered well. It's a cartilaginous skeletal rod supporting the body. It is absent throughout life in human beings from the very beginning. No. Embryo mein to hoti hai throughout life from the very beginning. Kaise kar rahe ho? Flexible rod. Cordage. It has to be present in the embryo. Then later on it becomes. The notochord which comes from the mesoderm is the defining structure in all chordate embryos. Yes, very well done. Very well done. चलिए अगले सवाल.
In some chordates, notochord is modified as vertebral column. Agreed. Such animals are called as vertebrates. Yes. Which of the following statement makes sense? कौन सी statement ठीक है? Chordates are not vertebrates and vertebrates are not chordates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates and all chordates are vertebrates. All chordates are vertebrates, but all vertebrates are not chordates. Easy question है. ये statement पढ़ के answer आ जाएगा. It's a very easy question. It's a very, very easy question. स्टेटमेंट पढ़ के आपका आंसर आ जाएगा. वेरी वेल डन. सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. यस, वंस अपॉन अ टाइम बाद में वर्टिब्रल कॉलम बना, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. नॉट नेसेसरी सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बने. यस, नोटोकॉर्ड कभी ना कभी तो होगी, बट जरूरी नहीं सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बने. यस यस यस. आया समझ में बच्चों? सो देखो बेटा, नोटोकॉर्ड है इन सम कॉर्डेट्स. नोटोकॉर्ड है सबके पास. पहले तो कई बार नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम, तो कॉर्डेट्स से बन जाएगा वर्टिब्रेट्स. बट जरूरी तो नहीं कि सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स बने, पर वर्टिब्रेट्स तो कभी ना कभी कॉर्डेट्स है. सो ऑल वर्टिब्रेट्स वर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स विल नॉट बी वर्टिब्रेट्स. चलिए अगले सवाल पे. What will you look for to identify the sex of the following? Male frog, copulatory pad on the first digit of the hind limb. Female cockroach, anal cerci. Male shark, claspers, born on pelvic fins. Female ascaris, sharply. Female ascaris, sharply curved posterior end. I just did it. अच्छा कितनी देर पहले किया होगा? 10 मिनट पहले? कितनी देर पहले किया होगा बता दो. Right everybody? कितनी? Male shark will have claspers on the pelvic fin because it needs to transfer the gametes from the male into the female. Is it clear? Done everybody? Is it clear? Yes or no? Right? यहां पे लिखा है hind limb नहीं है, फोर limb है. मुझे पता है कंफ्यूज हो गए. Hind limb नहीं है, फोर limbs हैं. Yes, hold the female frog. This is present on the four limbs. Next limbs, four limbs. Male and male. This is male. This is male. This is four limb. Did you understand your mistakes? Hi, बना दो hello. हार्ट कुछ तो बना दो ताकि मुझे दिख जाए. यहां पे होना चाहिए फोर लिंब. राइट, आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट सेक्शंस. फोर लिंब. फीमेल इज लॉन्गर, मेल इज लॉन्ग. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. लवली. चलिए अगले सवाल. वी आर जस्ट 60 लाइक्स अवे फ्रॉम 1K लाइक्स इन द सेशन. ऑसम. चलिए अगले सवाल. Which of the following animals show discontinuous distribution? Green mussels, mussels, bats, lungfish, Pacific salmon. Awesome question. कई जगह है, कई जगह नहीं है. Question में ही answer छुपा है. Question में ही answer छुपा हुआ है. Discontinuous. Distribution. पूरा सुपर मारियो बना दिया है. The three surviving genera of lungfishes should discontinuous because ये सिर्फ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं. पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है. Lungfishes. कितने अमेजिंग क्वेश्चंस है. कभी आपने ऐसे क्वेश्चंस किसी और वेबसाइट पे किए, किसी और चैनल में किए? इस लेवल के क्वेश्चंस पहले हाँ या ना में बता दो. इज इट क्लियर? तो मैं इनके नाम दे देती हूँ. प्रोटेरोपस होता है वो अफ्रीका में होता है. लेपिडोसेरिन जो होता है वो साउथ अमेरिका में होता है. और नियोकार्डोपलस होता है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है.
तो ये तीन वैरायटीज है लंग फिशेस की एंड लंग फिशेस वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट कमिंग ऑन द लैंड एंड दे हैव डिसकंटिन्यूअस यू नो region allocation because they are found in Africa, parts of Australia and parts of South America and nowhere else. Right everybody? Awesome answering. Awesome. Yes? चलिए अगले सवाल पे. Good guys. Some of you are answering very very well. 971 likes हो चुके हैं आज हमारी क्लास में. Awesome feel आ रही है. Yes, आज तो 1K likes पूरे हो जाए. Come on guys. Everybody make sure that you like. Which of the following animals has recently become extinct in India? किंग कोबरा नजा नजा वन हॉर्न राइनोसेरस हाइना चीता इट्स अ इजी वन रिसेंटली एक्सटिंक्ट इन इंडिया बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन मेनी 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 टाइम्स मेनी टाइम्स वेरी फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था राइनोसरस एक्सटिंक्ट कर दिया मैंने पिछले साल देखा है काजीरंगा में इतना है हाइना इज वेरी मच देयर हाइना इज अ स्कैवेंजर इट्स फाउंड इन द ग्रासलैंड्स इन द जंगल्स ऑफ इंडिया नजा नजा इज एवरीवेयर मेरे घर में खुद दो तीन बार निकल चुके हैं चीता इज एक्सटिंक्ट चीता इज नॉट देयर इन इंडिया एनी मोर Right, we have the African variety of cheetah. We are planning to get that in India and introduce in India the African variety. We don't have the Asian variety or the Indian variety, which was there. It has become extinct. We are thinking we should get the African variety and release it in the Indian forest. So we are talking about that. We means the government of India is talking about it. Hyena is very much there. Rhinoceros is very much there. And Naja Naja Cobra is very much there. Chali. बिल्कुल समृद्धि अभी आपको पता चला कितना एक्स्ट्रा है क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स क्रोकोडाइल और पेंगुइन व्हेल और डॉगफिश के सिमिलर है हैव गिल स्लिट्स पोजेस बोनी स्केलेटन ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच पोजेस अ सॉलिड सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम They all have gill slits. Embryo में जब होते हैं तो gill slits होते हैं right? Dogfish cartilaginous है कोई भी है जब embryo form में होते हैं तो gill slits होते हैं ये evolution का question आ गया है 13th वालों ने answer कर दिया होगा पर 11th वालों को answer करने में problem हुई होगी There is a saying which is ontogeny repeats phylogeny मतलब embryo अपनी पूरी ancestral life cycle को follow करता है Von Baer's law Ernest Haeckel's principle, right? Ontogeny repeats phylogeny. ये उसका question है gill slits, pharyngeal gill slits होंगे Correct? 11th वालों आपको आ जाएगा थोड़ा सा wait करना पड़ेगा थोड़ी देर और पढ़ लेंगे then you will also be able to solve this question. Mammalian heart is one chamber, two chamber, three chamber, four chamber. या myogenic, neurogenic, voluntary or sympathetic. देखो animal kingdom के questions tough आते हैं. Human heart मैमिलियन हार्ट आपने हार्ट का लेट्स लर्न एंड ड्रॉइड देखा था डिड यू सी लेट्स लर्न एंड ड्रॉइड इज इट सिंपैथेटिक इज इट वॉलंटरी न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक चलो बताओ कम ऑन झट से ऐसे आंसर करना है ऐसे कम ऑन इट इज Doesn't know. It's human heart is myogenic. There is something called the SA node. Human heart ki jo muscles hoti hai, wo khud apne impulse ko generate karti hai. There is something called the SA node, AV node, bundle of his Purkinje fibers, jo human heart mein impulse ko bhejte hai. It's myogenic. Awesome! Ma'am ne bola finally, and this is our final leaderboard. Shloka mein bachche, how are you long time? Vijayashri Sonam, well done. Pratham Greena, okay Greena. Simran Sushit, Indrani and gang, Love Site and Johanna. Lovely, lovely, lovely. What a performance. What an amazing performance. But now I'm tired because I've been continuously speaking since 6 o'clock in the morning. Oof, long time. Yes, I'll take some rest because I need to see you again at 9 p.m. Oh, I can't really take a rest. I have a class at 6:30. Any which ways, 6:30 to 8:30 ki main apni class khatam karungi. Fir main aapko milungi sharp at 9 o'clock for Animal Kingdom. Do tell me your ranks.
For molecular basis of genetics class 12. Not really. We're meeting for what? Human reproduction question bank. Exactly. Itna kuch chal raha hai exam that the teacher is also confused ki kya padhai aur kya na padhai after all. Hai na bachcho? Never mind. Guys, hope you enjoyed the session because I always enjoy taking sessions with you. Pro subscription ko apne mom dad ke saath discuss zaroor kar lena. Show them all that I showed you today. Make sure you like, share and subscribe and tell me your scores in the question bank series in the comment section. Also, download the notes of the question bank series from the description box of the class. That's all for the day. I will see you in the next class. Ta-da. Bye-bye. Take care.